हे गाइस वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने प्यारे से ब्लॉग में। मैं पंकज और इधर है निशा। तो गाइस देख सकते हैं, सबसे पहले 3 बजने वाला है, अभी 2:30 बज रहा है हमारा, 15 मिनट घड़ी फास्ट है। तो पार्टी हॉल से मैं पहुंच चुका हूं घर पे और आया हूं इनको कहने के लिए कि अब आप चलिए, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो लोग और भी बहुत सारे हैं, एक दो क्रिएटर्स भी हैं, उन लोग भी पहुँचने वाले होंगे। तो मैं बोला कि आप चलिए, और तितली हमारी इधर खेल रही है मस्त। तितली खाना पीना खा लिए ना? अब केवल रात में ही खाना पीना खिलाना होगा। तो वहाँ पर भी गाइज होटल वगैरह में भी अभी हमारा रूम वगैरह है सारा कुछ, तो वहीं पर जाएंगे और निशा वहीं पे तैयार होगी। थोड़ी देर में निशा की होने वाली देवरानी भी पहुँचेंगी, वो लोग भी पहुँचेगा लगभग 3 बजे तक, मैंने बोला था पहुँचने के लिए, तो वो लोग सब कोई पहुँच जाएगा। और अभी हम लोग सारा सामान तो वहाँ पहुँचा दिए, खाना बन रहा है वहाँ पे, पापा हैं, सारा कुछ आपको दिखाई दिया था पिछले ब्लॉग में, अपडेट दे दिया हूँ। तो माँ थोड़ा लेट आएगी, तुम तो आओगी ना अभी? हाँ, हम अभी चलेंगे। तो ये अभी आएंगी, लेकिन मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम वगैरह है, तो मुझे पहले जाना होगा। ये आएंगी मेरे भाई के साथ कार से आएंगी, मैं स्कूटी से जा रहा हूँ क्योंकि 1 किलोमीटर डिस्टेंस है घर से। तो अभी हम लोग सब कुछ चल रहे हैं, मतलब मैं चल रहा हूँ, निशा करेगी आगे ब्लॉग का कंटिन्यू। आप लोग बने रहिए, खूब सारा प्यार सपोर्ट कीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए जी। हाँ ठीक है। अभी भाई का कॉल आया कि वो स्कूटी लेके उधर चला गया है, तो मैं अब कार से हम लोग चलते सबको। चलो भाई आ गया कार लेके, और तुम अपना लहंगा वहंगा सब कुछ ले लेना अच्छे से, तितली का ड्रेस भी ले लो, डाइपर वगैरह ले लेना, एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्रेस ले लेना तितली का, क्योंकि गाइस फिर वहाँ से अगर पानी वगैरह ही गिरा लेती कभी कभी खेलती कूद। ठीक है ठीक है, माँ कभी ताला नहीं मारा हुआ है, फोन इतना ज़्यादा आता है दिमाग खराब हो जाता है। तो गाइस कार में सामान वगैरह सब कुछ रख दिए, मतलब तितली भी हमारी चल रही है, चाचू इसका कार लेके आ गए हैं। माता जी हम चल रहे हैं, कोई और काम तो नहीं है? ठीक है, भाई निशा बैठ चुकी है अंदर, भाई साहब हमारे आ चुके हैं। एसी में बैठने के बाद लग रहा है ना भाई साहब, सफल हो गया आदमी। तितली गर्मी लग रहा है क्या बेटू? वाह तितली नहीं बोलिए, वाह। निशा भी बैठ चुकी है, माँ आएगी बाद में, सब कुछ तो पहुंचा के। तो हमारा घर का एक ही प्रो ड्राइवर है सानू भाई, और आज ये कम से कम हमको लगता है कि 50 ट्रिप मारेंगे कि सबको लेके आने जाने का जिम्मेवारी नहीं करेगा घर में, क्योंकि बाकी है प्रो ड्राइवर है। सामान निकलो, सामान फिर और सामान दे, सामान निकलो गाड़ी में। जो दीदी आने वाली है जो मेकअप करी, आप लोगों को पता ही है, उन्हीं को बुलाया है, तो उनको थोड़ा सा रिसीव वगैरह करेंगे, क्योंकि हर बार उनके जब घर जाते हैं वो बहुत अच्छे से हमारा स्वागत वगैरह करती है, हम बहुत अच्छे से वेलकम भी करती है। तो सोचा मैं प्रेजेंट होना चाहूँगी उनका वेलकम करने के लिए। तो बस अब थोड़ी देर में वो लोग पहुँचने ही वाले हैं पूरे टीम के साथ, तो इसी में तैयार वगैरह होंगे। तो अभी बाकी अभी क्या है कि पुतुल है जो हमारी देवरानी है, वो अभी निकले हुए, मतलब थोड़ा देर में निकलने वाले हैं शायद, आई थिंक से पहले मैं ही तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि दो आदमी को ब्राइड को तैयार करने में आई तो थोड़ी ज़्यादा समझदारी है, इसीलिए मैं पहले तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि तितली है उधर मरी पूरा बार, तो इसका बदमाशी तो चलता ही रहेगा, इसको संभालना होगा, इसलिए मैं पहले ही तैयार हो जाऊंगी और आराम से लोगों को गेस्ट को रिसीव करते रहोगे, तब तक ब्राइड अपना तैयार होएगी, है ना बेटू? और तितली को भी करना है पूरा अच्छे से। तो चलिए जैसे होगा आप लोग को अपडेट देते रहेंगे। एंड आई गाइज मैं बता दूं कि फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अपना मेकअप जो पार्टी लुक है ना वो पूरा दिखाऊंगी, क्योंकि कभी आज तक दिखाया नहीं, कभी शो ही नहीं कर पाया कि मेरा लुक ये वो, बाकी सब क्रिएटर्स शो करते हैं अपना जो भी खुद से मेकअप करते हैं या फिर आर्टिस्ट से करवाते हैं, बट मैं सोची कि इस बार अगर पॉसिबल हो, कोई कैमरा पकड़ने वाला हो, तो मैं भी अपना ऐसे मेकअप आज करवाऊँगी, तो पूरा आप लोगों को दिखाऊँगी। बाकी चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही है और थोड़ी देर टाइम है, और हाँ सच बताओ तो अपना दिन याद आ रहा है कि मैं कैसे इंगेजमेंट के लिए तैयार हौच पौच। और मेरा जो इंगेजमेंट था ना जुलाई महीने में था, अगले मंथ में हुआ था, एंड दिन में ही था, मतलब दिन में ही इंगेजमेंट हुआ था, शाम को नहीं था पार्टी, इंगेजमेंट का पार्टी जो था वो दिन में ही था, तो इसलिए और ज़्यादा मैं सुबह से ही तैयार होकर बैठी थी, बट ये लोग इतना ज़्यादा लेट आए, ये लोग हम लोगों का प्रोग्राम 11 बजे शुरू होने वाला था और ये लोग पहुँचे 3 बजे, मतलब इतना देर मुझे इंतज़ार करवाए थे ये लोग तैयार होके, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था।
एंड फर्स्ट आईब्रो मैं उसी समय करवाई थी अपने एंगेजमेंट वाले दिन, तो उसके लिए भी मैंने बहुत ज़्यादा रोया था कि पता नहीं क्या है यार, मेरे को इतना क्यों टॉर्चर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरा आईब्रो। और इस बार तो अभी तक टाइम ही नहीं मिला मैं कि आईब्रो बनाऊँ, देखती हूँ दीदी आएगी तो जैसे सेट करेंगी मैं बोलूँगी हल्का लाइट मेकअप भी कर दीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है एंड तितली को संभालना है, गोदी में लेना है, तो थोड़ा हल्का लाइट मेकअप ही करेगी तो सही रहेगा, भागम भाग इधर उधर दौड़ दौड़ी तो लगे ही रहे। बाकी चलिए दीदी आती है तो आप लोगों से भी मिलवाते हैं एंड देखते हैं कैसा पार्टी मेकअप करती है मेरा, और मेरा लुक भी अगले ब्लॉग में ही रिवील होगा, तो इतने दिन से जिसका इंतज़ार था वो कंप्लीट होगा। दीदी लोग अभी आ चुके हैं तो चलते हैं उन लोग को रिसीव करने। तो यहाँ पे हमारी प्यारी दीदी कैसी है दीदी? चलिए सौरभ भी आ गए थे। अरे बाबू हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं, छोटी उसको चोर के आए हैं। अब भैया भी नहीं आए? भैया उन्हीं के वजह से तो लेट हुआ है, लेट हो गया है भैया की वजह से। अच्छा बाद में सुनेंगे क्यों लेट हुआ है, चलते हैं ऊपर। तो गाइस फाइनली यहाँ पे दीदी आ चुकी है, और आते ही भाई साहब एकदम देखिए नारी अलंकारक पूरा एकदम सारा सेटअप तैयार हो चुका है। आप सभी को पता है कि ये बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। दीदी कैसा लग रहा है? बहुत ही मैं तो अच्छा। वेलकम भी नहीं कर पाया, मैं थोड़ा काम में ही था उधर। कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ का। अच्छा लगा ना, चलिए कोई नहीं, तो घर नहीं होटल है, घर में चलिएगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी निशा तुम्हारा मेकअप होगा ना? तुम करा के भाई रेडी कर लो। तो ये जादू का पिटारा खुल चुका है और पूरा एक मेकअप का ब्लॉग आएगा जो ये शूट करेगा, सौरभ शूट करके देगा मुझे पूरा मेकअप का ब्लॉग। ठीक है ठीक है ना, चलिए तो अब आप लोग कीजिए रेडी होइए। तो गाइस पापा और बेटू का रेड रेड ड्रेस, बट मेरा बाल ऐसा हो गया कहीं बताऊँ पसीना से पूरा बहुत ज़्यादा। बट अभी निशा बातचीत कर रही है दीदी से, क्योंकि थोड़ी देर में उन लोग का मेकअप वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगा निशा का। और अभी फ़ोन आया था कि हमारी घर की नई होने वाली बहू भी आने वाली है अभी जस्ट, तो और बहुत सारे गेस्ट जो है वो घर पे भी पहुंच रहा है, और बाकी जो है वो डायरेक्टली वेन्यू पे ही पहुंचेंगे जब शाम में इवेंट होगा। तो आप लोग बने रहिए, आप लोग को सब कुछ दिखाएंगे। अभी मैं आया हूँ नीचे। वाह हाँ सब साफ़ सुथरा कर देना अच्छे से। हाँ ठीक है, तो इधर अभी चल रहा है सब साफ सफाई पूरा चल रहा है अच्छे से, और सब जब रेडी हो जाएगा तब आप लोग को पूरा तरह अच्छे से दिखाऊंगा मैं। गाइस फाइनली जो मैं बता रहा था कि गेस्ट लोग हैं तो वो लोग भी अब आ ही चुके हैं। कहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन आया है। दादी क्या हाल है? दादी गरम में दिन धाई नहीं आता था इतना लेट से, तो दादी आ गई है और भी बहुत सारे हमारे गेस्ट हैं वो आने वाले हैं। तो यहाँ पे सभी लोग आ गए, अभी भी जस्ट कार से उतरा है। चलो पानी पिया होते चलिए ऊपर, सब पानी आता सबके लिए, बनी नीचे ही बैठे हैं ठीक बात ऊपर बैठा है तरी लोग। तो गाइज आई तो पाँच हुई तो मैंने कैमरा ही बंद कर दिया, कुछ चीज़ें शूट करना अच्छा नहीं लगता, और ये सब ड्रेस है ठीक है यही है ना, और कुछ नहीं है सामान बाबा? मिठाई है ना सर। अच्छा मिठाई है ठीक है ठीक है, तो मैं अभी रखवा दे रहा हूँ, एक लड़की को बुलाना पड़ेगा इसको नीचे ही। इधर 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 रखे इधर रख दो इसको। ये लड़की वाले आए हैं, एक ही अभी गाड़ी आई है और इनकी गाड़ी अभी आने वाली है, सब रख दो सामान ले जाते अंदर नीचे। तो गाइज फाइनली यही है वो, मेरी दादी भी कह सकते हैं मामी भी कह सकते हैं, बहुत सारा रिश्ता तो जिनके द्वारा दूसरा बहुत सारा रिश्ता दूसरा भी और दूसरा हो जा रहा है रिश्ता। तो मेरी दादी की अपनी छोटी बहन है और इन्हीं के द्वारा ये शादी लगाया गया ये गाइड की। तो चलिए नहीं आप लोग बने रहें, अभी बहुत सारा कॉल वगैरह आ रहा है, तो दादी ही तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी सभी लोग आ गए हैं। तो गाइज अभी फाइनली लड़की वाले भी लगभग सभी लोग आ चुके हैं, सभी कर रहे हैं नाश्ता वगैरह। तो अब आपको अब इस ब्लॉग को रहने देता हूँ, और अगले ब्लॉग में मिलेंगे जो मेकअप वाला होगा या देखते हैं जैसा भी होगा, और सभी गेस्ट भी आने वाले हैं तो मुझे भी रेडी होना होगा। तो मिलते हैं आपसे एक डिफरेंस ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, खूब सारा प्यार सपोर्ट कीजिए।